Because we are starting chapter number 14, and the chapter name is River Systems and Landforms. Okay, so ye jo picture hai, this is the picture of a delta in South America. I think, uh, yeah, that's in Argentina. Or the river is Rio de la Plata.

Uh, कुछ मेन कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि बिफोर स्टार्टिंग दैट वी वन शुड नो अ फिजिकल जोग्राफी स्टूडेंट मस्ट नो सो उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट uh, है फ्लूवियल फ्लूवियल ओके सो फ्लूवियल मीन्स रिलेटेड टू रिवर सो विच एवर वी थिंक वी विल स्टडी रिलेटेड टू द रिवर हम टर्म यूज़ करेंगे फ्लूवियल का या टेक्निकली फ्लूवियल टर्म यूज़ होती है जोग्रफ़ी फ़िजिकल जोग्रफ़ी सो फ्लूवियल मीन्स रिलेटेड टू रिवर फॉर एग्जाम्पल फ्लूवियल प्रोसेस फ्लूवियल इरोजन फ्लूवियल सिस्टम एंड कैन भी फ्लूवियल बेसन फ्लूवियल डेपोजिशन तो रिवर के साथ रिवर्सल रिलेटेड जो टर्म होगी वो फ्लूवियल है इसके अलावा वन वी आर स्टडिंग अबाउट रिवर रिवर को अगर हम बिल्कुल बेसिकली डिफाइन करना चाहें तो वी कैन कॉल द रिवर एज अ फ्लोइंग चैनल ऑफ वाटर के एक पतली धार की सूरत में ज़मीन पे जब पानी बहता है नॉट वेरी यू नो जब मैंने पतली का वर्ड यूज़ किया तो बहुत पतली नहीं बट कंपेयर टू द ओशन एंड सीज रिवर्स हैव वेरी स्मॉलर विथ उनकी विथ काफ़ी कम होती है इसलिए वी यूज लाइक वी कैन से रिवर इज अ मास ऑफ फ्लोइंग वाटर नेचुरली फ्लोइंगटर रिवर नेचुरल होता है सो रिवर इज ब्रॉड यानी जब रिवर कवर्ड आएगा तो वो ऐसे चैनल ऑफ फ्लोइंग वाटर की बात होगी जिसकी विथ थोड़ी सिग्निफिकेंट होगी यानी अपने सराउंडिंग uh, में वो uh, एक प्रोमिनेंट स्टेटस रखेगा तो वो रिवर कहलाएगा इसके अलावा फ्लोइंग चैनल ऑफ वाटर के लिए यानी जमीन पे जो बहता हुआ धारी धार की सूरत में बहता हुआ पानी है दैट फॉर दैट द टर्म स्ट्रीम इज यूज ए सो हियर यू सी द टर्म स्ट्रीम ही फॉर सम रीजन ओके सो दिस इज द स्ट्रीम ओवर हियर, एंड स्ट्रीम इज द जनरल टर्म फॉर एनी फ्लोइंग वाटर तो स्ट्रीम के अंदर बहुत पतला रिवर भी आ जाएगा जैसे कि हमारे यहाँ कराची में गुजर नाला है या लियारी नदी है उनकी वट बहुत ज्यादा नहीं है तो वो भी स्ट्रीम की कैटेगरी में है फिर अगर हम रिवर इंडस को देख लें तो रिवर इंडस भी एक स्ट्रीम है इसके अलावा पंजाब के जो पांच रिवर्स हैं के पी के के अंदर चार से पांच मेन रिवर्स हैं उन सब को भी हम स्ट्रीम कहेंगे सो स्ट्रीम इज द मेन और द जनरल टर्म फॉर ऑल द चैनल ऑफ फ्लोइंग वाटर एंड रिवर इज द टर्म यूज फॉर द ब्रॉडेस्ट वन अमंग दम ठीक है सबसे तो चौड़ी वाली जो फ्लोइंग uh, चैनल होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द स्ट्रीम सो स्ट्रीम कैन बी नैरो स्ट्रीम कैन बी can be broad. Okay, then there is a terminology, hydrology. So hydrology is the study of water. Just pichle chapter me upnew geomorphology. Uh, ka term, uh, use kia, tha. In this chapter you are learning hydrology. So uh, within geography and within physical geography for many uh, big concepts we have several separate signs. So jab, हम रॉक्स को रॉक की डेनोजेशन पढ़ते हैं तो वो जियोमार्फोलोजी है इसके अलावा जब हम पानी को स्टडी करते हैं किस एस्पेक्ट से द ग्लोबल सर्कुलेशन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ वाटर एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर की जब हम बात करते हैं तो दैट इज़ हाइड्रोलॉजी एंड दैट इंक्लूड्स द वाटर इन द एटमोस्फेयर क्योंकि पानी एटमोसफेयर में भी है वेपर्स की सूरत में पानी सरफेस में है uh, रिवर्स लेक्स की सूरत में और फिर पानी हमारे यहाँ अंडरग्राउंड भी है बिलो द सर्फेस ऑल थ्री थ्री टाइप्स ऑफ वाटर इज स्टडीड अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलॉजी ओके सो दिस इज हाइड्रोलॉजी सिंपली इसको कहेंगे साइंस ऑफ वाटर और उस साइंस में क्या पढ़ते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं और सर्कुलेशन लाइक इन द फॉर्म ऑफ द वाटर साइकिल ओके सो इन दिस चैप्टर ये सी आर वी गोइंग टू स्टडी स्टडीशियल फ्लू विल कॉन्सेप्ट देख सकते हैं आर दैट हेडिंग सो हम को देखेंगे कि जब हम किसी रिवर सिस्टम को पढ़ते हैं तो उसमें कौन कौन से मेन कॉन्सेप्ट हैं एक तो कॉन्सेप्ट आपने अभी देखा फ्लूवियल का टर्म था दैन देर वॉज समथ दैट स्ट्रीम ठीक तो हम वो पढ़ेंगे इसके अलावा वी विल स्टडी अबाउट या दीज आर द कॉन्सेप्ट बेस लेवल कॉन्सेप्ट ड्रेनेज द ड्रेनेज डेंसिटी एंड पैटर्नस दैन स्ट्रीम डिस्चार्ज ये सारे कॉन्सेप्ट हम देखेंगे इसके अलावा वर्क परफॉर्म बाय अ फ्लोइंग रिवर जब रिवर अपने सोर्स यानी जहाँ से रिवर स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज द सोर्स ऑफ अ रिवर सो रिवर अपने सोर्स से लेकर अपने माउथ तक जहाँ पर रिवर खत्म होता है तो उस दौरान रिवर uh, क्या क्या प्रोसेस कर रहा होता है तो फर्स्टलीफ uh, डिपोजिशन sort of, um, कहीं से मटीरियल हटाएगा उसको ट्रांसपोर्ट करेगा फिर दूसरी जगह पर ले जाकर डिपोजिट करेगा तो ये सारी वर्किंग हम देखेंगे द स्ट्रक्चर्स विद इन द रिवर सिस्टम के कौन कौन से फॉर्म्स बनते हैं रिवर के गुजरने की वजह से दैट वी विल सी के नाउ फ्लूवियल कॉन्सेप्ट बेसिक फ्लूवियल सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज डिस्चार्ज रिवर डिस्चार्ज सो रिवर डिस्चार्ज कैन बी कॉल्ड एज द सिंपली अगर इसको सिंपली हम डिफाइन करें डिस्चार्ज को तो दिस इज द अमाउंट ऑफ फ्लोइंग वाटर इन अ रिवर और अमाउंट ऑफ फ्लोइंग वाटर सिंपल लेकिन अगर उसको टेक्निकल टर्म में हम देखें प्रॉपर टर्मिनोलॉजी में तो इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ वाटर पासिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऐट अ गिवन टाइम वॉल्यूम ऑफ वाटर तीन चीज़ें हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना पानी एट अ स्पेसिफिक पॉइंट किसी एक पॉइंट से एट अ गिवन टाइम तो ये तीन फैक्टर्स जब हम कंबाइन करते हैं तो उसको कहते हैं रिवर डिस्चार्ज हाउ मच वाटर इज़ फ्लोइंग थ्रू अ स्पेसिफिक पॉइंट ऐट अ स्पेसिफिक टाइम सो अकॉर्डिंग टू डिस्चार्ज रिवर्स की कैटेगराइजेशन है तो so एमज़ोन इज द बिगेस्ट रिवर इन टर्म ऑफ डिस्चार्ज यानी अमेजोन रिवर के अंदर सबसे ज्यादा पानी फ्लो करता है सो इट is कॉल्ड uh, so as the लार्जेस्ट टर्म यूज की जाती है लार्जेस्ट की इसके अलावा रिवर की कैटेगराइजेशन लेंथ के अकॉर्डिंग भी होती है तो वहां पर टर्म यूज की जाती है लॉन्गेस्ट रिवर डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग एमेजॉन इज द लार्जेस्ट रिवर एंड अकॉर्डिंग टू लेंथ नाइल इज द लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर ओके सो अमेजो discharge recording, the largest one, congo, congo river of africa, it's the second largest one. and i am putting my pointer on the specific name. then third largest river is the yangtze river of china. yangtze river, kadusranam, changjiang, bhi hai. but uh, yangtze is the more uh, common version here among the non-chinese people. okay, so and the fourth one, is the Orinoco River of South America? Did I miss anyone? Okay, Amazon is the first one, Congo is the second one, uh, Yangtze is the third one, then Orinoco is the fourth one in terms of the amount of water flowing in a river. So we have a chart here if you see there. This is table 14.1. So, this table shows uh, the categorization and the ranking of rivers according to the discharge. This term used as the largest river. Ki. So, you see, Amazon is the largest one, then Congo, then Yangtze, then Orinoco, and then the La Plata. We have started the chapter in the chapter. राइट दे थर्टी सिक्स है तो लॉन्गेस्ट रिवर लेकिन वॉटर कॉन्टेंट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो दिस इज एट नंबर थर्टी सिक्स ओके इंडस इज नॉट हेयर इन दिस लिस्ट लेकिन इंडस इज अमंग टॉप फिफ्टीन आए don't exactly remember the, its uh, exact position right now but yeah okay so uh, then here look at the last column this is rank, rank by length so amazon length ke according second number per hai, and river nile is at number one according to length so these are the different positioning and third number is the yangtze river of china here इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें हैं द सेकेंड कॉलम डील्स विद द डिस्चार्ज कितना डिस्चार्ज है ये क्यू सेक्स में मीटर क्यूब पर सेकेंड एंड देन लोकेशन आउट्लो कहाँ पर है उसका एंड द लेंथ ओके सो दैट इज और आपका एक लैब टास्क भी होगा जिसमें आपको ये दुनिया के फेमस रिवर्स को लोकेट करना होगा आई एल पोज दैट दैट टास्क लेटर ऑन राइट बेसिक फ्लूवियल कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट आपने अभी डिस्चार्ज का देखा कि अमाउंट ऑफ फ्लोइंग वाटर फ्रॉम स्पेसिफिक पॉइंट एट अ गिवन टाइम ओके देन किसी भी हाइड्रोलॉजिक साइकिल को या वाटर साइकिल को या किसी भी रिवर सिस्टम को दो चीज़ें रन करती हैं मेनली वी कैन से द ड्राइवर्स ऑफ अ रिवर सिस्टम ऑफ अ फ्लूवेल सिस्टम एंड दोज टू ड्राइवर्स आर इंसुलेशन एंड ग्रेविटी So, insulation is incoming solar radiation. So, surat hui roshni, or surat sayati hui energy. So, that energy, along with the gravitational energy, they both are the main driving forces of any uh, river system, fluvial system. Okay, uh, when the river flows from any area, इट डज़ इरोजन जिसको हम कहते हैं फ्लूवियल इरोजन एंड इरोजन मीन्स रिमूवल ऑफ ब्रोकन रॉक्स वैसे तो वैदरिंग होकर कोई भी मटेरियल टूटेगा या रॉक्स टूटेगा लेकिन उसको जब उस जगह से रिमूव करने का जो प्रोसेस है दैट प्रोसेस इज इरोजन और अगर इरोजन रिवर की वजह से है वाटर की वजह से तो उसको हम कहेंगे फ्लूवियल इरोजन नाउ व्हाट द रिवर डज के इरोड किया यानी रिमूवल ऑफ मटेरियल फ्रॉम ब्रोकन मटीरियल फ्रॉम

डंपिंग एट आउट समवेयर क्योंकि कोई ना कोई हर लोड को जब भी जहाँ भी उठाया उठाया जाएगा उसको एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसे रिवर कहीं ना कहीं डंप आउट करेगा सो दैट इजोजिशन एंड इज डिपॉजिटेड बाई द रिवर सॉरी द रॉक्सर डिपॉजिटेड बायर इज कॉल्ड एज एलुवियम सो यहाँ पे ये यह टर्मिनोलॉजी है एलुवियम द मटीरियल डिपॉजिटेड बाय अ और उसमें आमतौर पर छोटे ग्रेन साइज का मटेरियल होता है देन द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज द बेस लेवल बेस लेवल सिंपल वर्डिंग्स में हम कहेंगे दरिया की तय को यानी एक रिवर का जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है जहाँ पे रिवर खत्म हो जाता है नीचे द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ अ रिवर इज द बेस लेवल और उसकी टेक्निकली क्या है डेफिनेशन के द पॉइंट बिलो विच स्ट्रीम और कैन नॉट इरोड जाहिर सी बात है जब तक रॉक रेजिस्टेंट नहीं होंगे तो वो रिवर बेड बनेगा ही नहीं इफ द रॉक इज नॉट रेजिस्टेंट इसका मतलब है वहां पे इरोजन हो जाएगी इरोजन हो रही है तो वो रिवर वो बेस लेवल नहीं है जहां पे इरोजन रुक जाती है और दरिया की वो तय थोड़ी सी स्टेबल होती है थोड़ी सी रेजिस्टेंट होती है रेजिस्टेंट अगेन वैदरिंग अगेंस्ट वैदरिंग और इरोजन तो दैट इज कॉल्ड एज द बेस लेवल फिर यहाँ एक और टर्मिनोलॉजी है अल्टीमेट बेस लेवल अल्टीमेट बेस लेवल के इस से इससे नीचे बेस लेवल नहीं जा सकता और वो कौन सा लेवल है सी लेवल अल्टीमेट बेस लेवल इज द सी लेवल सो हियर यू सी इन दिस डायग्राम और इन दिस पिक्चर ये रिवर यहाँ पे फ्लो कर रहा है इस एरिया में वेर द डैम इज बिल्ट तो इस डैम में यहाँ पर ये आर्टिफिशियल बेस लेवल है यानी जो दीवार बनाई गई है इस दीवार को दरिया इरोड नहीं कर सकता इसलिए इसका नाम रखा बेस लेवल और क्या है ये इंसानों ने बनाया तो आर्टिफिशल राइट right? uh, इसी तरह से दरिया के नीचे ये वाला पॉइंट जो है हेयर दिस इज़ द बेस लेवल और यहाँ पे आप देखें सी लेवल को दिखाने के लिए इन्होंने एक डॉटेड लाइन बनाई है सो दिस डॉटेड लाइन एक्चुअली शोज़ अल्टीमेट बेस लेवल कि ये डॉटेड लाइन जहाँ जहाँ पे भी रन कर रही है इसके नीचे दरिया में इरोजन नहीं हो सकता ये एक नेचर का प्रोसेस है कि वो एक लेवल में आ जाएगा तो फिर फर्दर इरोजन की ज़रूरत सच नहीं पड़ेगी सो दिस इज द अल्टीमेट बेस लेवल और बेस लेवल द बेड ऑफ अ रिवर आम जबान में बेस लेवल क्या है बेड ऑफ अ रिवर टेक्निकल जबान में द पॉइंट बिलो विच अ रिवर कैन नॉट इरोड और रिवर इरोड क्यों नहीं कर रहा बिकॉज द रॉक्स आर रेजिस्टेंट जब रॉक्स रेजिस्टेंट होंगे तो वो उसको रोड आउट नहीं करेगा ओके देन नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज रिवर बेसन ड्रेनेज बेसन सो ड्रेनेज बेसन इज जस्ट लाइक अ वॉश बेसन मैंने शायद पहले भी बताया हो कि हमारे वॉश बेसन का जो नाम है वो ड्रेनेज बेसन को देखते हुए रखा गया है कि बेसन इज एन एरिया विच हैज़ विच इज़ लाइक अ ग्रेट डिप्रेशन एक बहुत बड़े Uh, गढ़े की सूरत में इसकी फॉर्मेशन होती है और बेसन की खास बात यह है कि बेसन का जो एज होता है उसका किनारा दैट विल ऑलवेज हैव द हाईएस्ट एलिवेशन राइट सो व्हाट इज हाउ कैन वी डिफाइन इट फर्दर ड्रेनेज बेसन ऐसा इलाका ड्रेनेज बेसन एक ऐसा एरिया है जो किसी रिवर सिस्टम को रखता हो अपने अंदर फ्लूवियल सिस्टम को रखता हो अपने अंदर लाइक like, ये पिक्चर आप देखिए दिस इज़ अ रिवर सिस्टम और इसमें ये सबसे डार्क लाइन जो है दिस इज़ द मेन स्ट्रीम और ये बाकी सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं दिज टाइनी लिटल लाइंस और द ट्रिब्यूटरीज़ यानी ब्रांचेज ऑफ अ रिवर है तो ये पूरा एरिया जहाँ पर ये रिवर्स और इसकी ब्रांचेज हैं दिस होल एरिया इज कॉल्ड एज ड्रेनेज बेसन और इसके किनारों पर इसके एज पर हमेशा हाइएस्ट एलिवेशन होगी और इसका सेंटर जहाँ पे सबसे थिक वाला रिवर सबसे ब्रॉड रिवर होगा दैट विल हैव द लोएस्ट एलिवेशन दूसरे स्केच में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने यहाँ पे बॉर्डर बना दिया इसमें ब्लैक लाइन से सो दिस इज द एज ऑफ ड्रेनेज बेसन

ओके ड्रेनेज बेसन को एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं एन एरिया विच इज़ विच गेट्स सप्लाई फ्रॉम अ रिवर सिस्टम विच इज़ सप्लाइड बाय अ रिवर सिस्टम जिसमें एक रिवर सिस्टम का पानी सप्लाई होता हो दैट एरिया इज ड्रेनेज बेसन एंड ओके सो देर इन दिस पिक्चर वी हैव वी कैन सी टू ड्रेनेज बेसेंस तो यहाँ पर ये जो बाउंड्री जा रही है डॉटेड लाइन में हेयर दिस इज़ अ ड्रेनेज डिवाइड और इसकी एलिवेशन सबसे ज़्यादा है और यहाँ पर जहाँ पे मेन रिवर है सेंटर में इसकी एलिवेशन सबसे कम है और ये सारी इसकी ब्रांचेस हैं या ट्रिब्यूटरीज हैं सो दीज आर ब्रांचिज एंड ट्रिब्यूटरीज और इसके अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है कि जो जितने भी साइडों पर यानी हायर एलिवेशन पे जो स्ट्रीम्स हैं वो हमेशा ब्रांचेस होती हैं और उनका पानी जमा होता हुआ वो अल्टीमेटली कहाँ जाता है मेन रिवर पे या सेंटर पे सो व्हेन इट रेन्स बारिश हुई तो आप समझे हर जगह पे पानी गिर रहा है तो ये जो किनारों पे जो पानी होगा वो बहता हुआ कहाँ जाएगा मेन रिवर की तरफ तो वैन द फॉल्स ऑन द ड्रेनेज डिवाइड तो उसके दोनों तरफ पानी जाएगा यहाँ पे इसका ये स्केच बनाया है जहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है शीट फ्लो सो इस शीट फ्लो की वजह से पानी पहले बहेगा शीट मीन्स कि पानी जब शीट की फॉर्म में बहे यानी आप किसी दीवार पे एक ग्लास का पानी उछालें तो वो पहले एक पूरी पानी की एक चादर बन जाती है दैट इज द शीट ऑफ वाटर और उस फ्लो को कहते हैं शीट फ्लो फिर थोड़े टाइम के बाद वो पतली पतली स्ट्रीम्स बन जाती हैं तो जब वो पतली स्ट्रीम्स बनती हैं तो उसको हम कहते हैं रिल एंड गली यू कैन सी द टर्मिनोलॉजीज हयर रिल एंड गली सो वेन दीम्स आर वेरी थिन यानी शीट फ्लो के बाद जो पहला पतला पतली धार बने की दैट इज रिल और थोड़ी सी थिक हो जाए तो वो गली एंड रिल्स एंड गली फॉर्म द्रिब्यूट्री एंड ट्रिब्यूट्री फाइनली फॉल्स इन टू द मेन रिवर सो ये थे आज के मेन कॉन्सेप्ट बेसिक फ्लूवियल कॉन्सेप्ट